अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टैबलेट। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। तो टैबलेट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ लिया है, ताकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ सके। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया है उनकी साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर या प्राइस की वजह से। यानी इन चीजों की वजह से कंप्यूटर एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उनकी हमने क्लासेस बना दी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की हुई है पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर की दो टाइप है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक पोर्टेबल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो हमने कहा था कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें डिजाइन किया गया है या जिन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि एट अ टाइम सिर्फ एक पर्सन उसे इस्तेमाल में ला सके, उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसकी टाइप में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यानी ये कंप्यूटर बनाए तो इसलिए गया है कि एक पर्सन ही एट अ टाइम इसे यूज करे, लेकिन इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उसकी इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, उनको एक डेस्क या टेबल पर फिट कर दिया गया है ताकि एक पर्सन उसे इस्तेमाल में ला सके। ऐसे कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें टेबल या डेस्क पे फिट कर दिया गया, उनके सारे कंपोनेंट को। ऑल इन वन का हमने कहा था कि जो मॉनिटर और सिस्टम यूनिट है वो कंबाइन होता है, लेकिन ये फिट डेस्क पे ही हुए होते हैं। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट वगैरह यूज करेंगे, मैप वगैरह को देखने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन वगैरह के लिए या हाई एंड प्रोसेसिंग के लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर काम में आते हैं, लेकिन कैटेगरी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की ही है। सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अब मेन दूसरी टाइप की तरफ हम आए जो कि पर्सनल कंप्यूटर की है, वो है पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर को भी एट अ टाइम सिर्फ एक पर्सन ही इस्तेमाल में ला रहा होगा, लेकिन इन कंप्यूटर को कैरी करना आसान है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। इनको मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि जो मोबाइल कंप्यूटर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, और कैरी करने के दौरान हम उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी उस वक्त भी हम उन्हें चला रहे होते हैं, उनसे काम ले रहे होते हैं। तो इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम मोबाइल कंप्यूटर कहते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर क्या है? ये एक तरह के मोबाइल कंप्यूटर है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं। कैरी इसलिए आसानी से हो जाता है कि इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं या इसकी डिवाइसेस होती हैं वो एक सिंगल कॉम्पैक्ट केस में इंटीग्रेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये एक डिवाइस बन जाती है जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। फिर हमने लैपटॉप के बारे में पढ़ा था, ये भी एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर है, यानी आसानी से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं इनको मोबाइल कंप्यूटर कहा जाता है, ये लैब में आसानी से फिट हो जाते हैं, यानी डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं आप इसे गोद में रख के इस्तेमाल में ला सकें। इसके अलावा हमने देखा था कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस ये था कि इनको हम, इनकी बैटरी होती है, इनको हम चार्ज कर लेते हैं और हमें मुसलसल इलेक्ट्रिकल पावर नहीं चाहिए होती, बल्कि बैटरी पर हम कई घंटे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनकी दो टाइप देखी थी, अल्ट्राबुक, नेटबुक। अल्ट्राबुक जहां पर आपने ज्यादा हाई प्रोसेसिंग काम परफॉर्म करने हैं, वीडियो कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए वहां पर अल्ट्राबुक। ये एक थिन लाइट वेट होती है लेकिन ये महंगी होती है, जबकि नेटबुक की बात करें ये सस्ती होती है, लाइट वेट भी होती है, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी ये आपकी परफॉर्म करेगी, और इसमें भी ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, लेकिन अल्ट्राबुक में सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो कि एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। तो ये सारा मैंने आपको पीछे अभी तक रिवाइज करवा दिया, आई होप जो रिवीजन मैंने करवाई है आप कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो कि है टैबलेट। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर एक क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की। अब पर्सनल कंप्यूटर में दो टाइप्स देखी थी, एक डेस्कटॉप यानी ऐसे कंपोनेंट जिनको हम डेस्क कंप्यूटर जिनको डेस्क पे फिट करते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा हो गया। पोर्टेबल कंप्यूटर में हम आ चुके हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर यानी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसान है और सारी चीजें इंटीग्रेट है सिंगल डिवाइस में। तो पोर्टेबल में एक लैपटॉप हो गया हमारा, जिसको हम कैरी करना भी आसान है और वो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं और इस्तेमाल में भी उसे ला सकते हैं। अब दूसरी देखें तो हमारे पास जो टैबलेट होते हैं, आपने देखे ही होंगे, कभी इस्तेमाल भी किए होंगे, ये भी बिल्कुल एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसमें भी सारे जो इसके कंपोनेंट है, जिसमें कि डिस्प्ले डिवाइस होगी या इनपुट डिवाइस होगी, सारे एक सिंगल कंपैक्ट केस में है। दूसरा, हम टैबलेट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और ले जाते हुए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो यहां पर ये एक पोर्टेबल की कैटेगरी में आ
आ गया, इतनी तो हमें समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये टैबलेट होता क्या है, क्या फंक्शनैलिटी होती है जो इसे दूसरी से मुख्तलिफ कर रही है, लैपटॉप से मुख्तलिफ कर रही है। ठीक है, तो टैबलेट भी एक थिन है, लाइट वेट है, कम वजन होता है, एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर है विद टच स्क्रीन, यानी इसकी भी टच स्क्रीन है, जबकि हमने देखा था कि लैपटॉप भी, कई लैपटॉप ऐसे हैं जो कि टच स्क्रीन के साथ आते हैं। इट इज यूजली स्मॉलर देन लैपटॉप। अब यहाँ पे ये बात करें तो ये लैपटॉप से भी स्मॉल है, इसकी स्क्रीन उससे भी स्मॉल होती है। तो सम टैबलेट इंक्लूड अ स्टाइलस दैट लुक लाइक अ स्मॉल पेन, ये एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे हाईलाइट करके कि स्टाइलस एक तरह की इनपुट डिवाइस है। जिस तरह टच स्क्रीन में हम मोबाइल की टच स्क्रीन के साथ अपनी फिंगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह कुछ टैबलेट की स्क्रीन ऐसी होती है जहां पर हमने इनपुट देने के लिए या किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए एक स्टाइलस का इस्तेमाल करना होता है। तो स्टाइलस एक तरह का पेन होता है जिसके जरिए हम स्क्रीन पर कुछ इनपुट दे सकते हैं या कुछ चीज सिलेक्ट कर सकते हैं या स्क्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम अपनी फिंगर के साथ कर रहे होते हैं। इट कैन बी यूज टू एंटर डाटा एंड सिलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द टच स्क्रीन। अ फिजिकल कीबोर्ड कैन बी अटैच टू टैबलेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैबलेट के साथ हम फिजिकल कीबोर्ड को भी अटैच कर सकते हैं। इट प्रोवाइड लॉन्गर बैटरी लाइफ देन लैपटॉप, यानी लैपटॉप को भी, लैपटॉप की भी बैटरी होती है, टैबलेट की भी बैटरी होती है, लेकिन टैबलेट की बैटरी ज्यादा आपको टाइम निकालेगी, यानी आप ज्यादातर अपना टैबलेट ज्यादा देर तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि टैबलेट थिन है, लाइट वेट है, ये स्मॉलर है लैपटॉप की निस्बत, इसके अलावा एक स्टाइलस है जिसके जरिए हम इसमें इनपुट वगैरह दे सकते हैं या एंटर कर सकते हैं डाटा को। इसके अलावा अगर हमने एक फिजिकल कीबोर्ड अटैच करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एक हम अपने मोबाइल में जो यूज कर रहे होते हैं वो होता है वर्चुअल टच स्क्रीन कीबोर्ड, यानी अपनी स्क्रीन में जैसे आपने व्हाट्सएप को ओपन किया तो वहां पर एक कीबोर्ड आ रहा होता है, आप उस पर टाइप कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह का वर्चुअल कीबोर्ड है। इसी तरह यूट्यूब पर सर्च करने के लिए आप जो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर जिसमें वर्ड लिखे होते हैं टच स्क्रीन के साथ, वो एक तरह का वर्चुअल कीबोर्ड है। लेकिन अगर आपने एक फिजिकल कीबोर्ड अलग से लगाना है अपने टैबलेट के साथ तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब टैबलेट की उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये आपने सिंपल पढ़ना है, याद करने वाली बात यहाँ तक थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं टैबलेट में जिन्हें हम मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप कह रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे जैसे कि आपके मोबाइल में होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये भी प्री इंस्टॉल होता है, पहले से इंस्टॉल होता है। तो कुछ एप्स होती हैं जो कि पहले से इंस्टॉल होती हैं, तो यही यहाँ पे वो बता रहा है। लेकिन इन एप्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल एप्स या मोबाइल एप्लीकेशन, बिल्कुल वही एप्लीकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि आपके मोबाइल के अंदर होती है। इट कैन बी यूज टू ब्राउज द वेब, अब ये जो एप्स इंस्टॉल है इनके जरिए आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप सेंड या रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स को या वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, हर ऐप का अलग अलग फंक्शन होता है। दे आर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर टैबलेट दैट कैन बी डाउनलोड ऑन टैबलेट फॉर फ्री और फॉर अ स्मॉल प्राइस, उसने कहा बहुत ही ज्यादा एप्स होती है, कुछ तो पहले से इंस्टॉल हुई होती है मेन जो आपने यूज करनी होती है, बाकी आपने अपनी जरूरत के मुताबिक अगर इंस्टॉल करनी हो तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में भी, और कुछ के पैसे भी देने पड़ते हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो कि आप मोबाइल ऐप स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर आप अगर एडिटिंग की कोई ऐप करनी है, पिक्चर एडिटिंग की करनी है, रिकॉर्डिंग की करनी है या मैसेजेस की करनी है, तो मुख्तलिफ तरह की ऐप को हम आसानी से फ्री में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसी भी होती है जिनके लिए हमें थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़ता है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। ये आपका एमसीक्यूज है कि आईपैड किसकी एग्जाम्पल है, ये टैबलेट की एग्जाम्पल है। उसके बाद दो तरह की टाइप है, एक स्लैट टैबलेट, बिल्कुल स्लैट है, कोई फिजिकल कीबोर्ड इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, सिंपल एक टैबलेट है, इसकी स्क्रीन है और स्क्रीन के साथ आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। फिजिकल कीबोर्ड डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता, यानी वायरलेसली अटैच होगा, कोई पोर्ट वगैरह नहीं बनी होगी, बल्कि ब्लूटूथ के जरिए एक वायरलेस कीबोर्ड वायरलेसली इसके साथ अटैच हो सकता है, डायरेक्ट जैसे हम अटैच करते हैं वैसे अटैच नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि इसका कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता, इसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है इनपुट के लिए जैसे मोबाइल वगैरह में होता है। आपने अगर अटैच करना ही है फिजिकल कीबोर्ड तो आप ब्लूटूथ या वायरलेसली करेंगे, आप डायरेक्टली वायर के जरिए इसको अटैच नहीं कर सकते। कन्वर्टेबल की बात करें तो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं फिजिकल कीबोर्ड को, और यहाँ पर ये एक तरह की डिस्प्ले डिवाइस होती है, ऊपर और नीचे फिजिकल कीबोर्ड के साथ अटैच होती है, जिसको हम इधर उधर रोटेट कर पा रहे होते हैं, और उसके बाद हम उसे फ्लोटी डाउन कर देते हैं, यानी जिस तरह लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर दिया जाता है इसको भी हम बंद कर सकते हैं, इसलिए ये एक नोटबुक कंप्यूटर की तरह लगती है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी, ये एक स्लैट है, बिल्कुल आप देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन है, इसके अंदर ही वर्चुअल कीबोर्ड होगा जैसे कि आपके मोबाइल वगैरह में होता है। अगर आपने फिजिकल कीबोर्ड यानी इस तरह से
से अलग कीबोर्ड लगाना भी है तो वायरलेसली लगाएंगे, इस तरह से अटैच नहीं कर पाएंगे जैसे कि ये कन्वर्टेबल टैबलेट अटैच है। इसको हमने, ये एक तरह की स्क्रीन है जिसको फिजिकल कीबोर्ड के साथ अटैच किया। इसके अलावा हम इसके रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री तक और बाद में इसको इसके ऊपर फ्लोर डाउन यानी बंद कर सकते हैं। तो टैबलेट तक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।